गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 5 बजे हैं। दिन में तो बहुत गर्मी रहती है, वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मेरा गार्डन है, इतनी गर्मी में भी इतने सारे फूल हैं जिन्हें देखकर मैं बहुत ही खुश रहती हूँ। मुझे लगता है कि इतनी गर्मी में ये सारे मर ही जाएंगे, लेकिन अभी सभी सही सलामत हैं। शाम में इनकी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है, पूरी तरह से झुक जाते हैं, फिर पानी देने के बाद ये टाइट हो जाते हैं। ये देखिए मेरा मधुकामनी, इनके ऊपर तो पॉलिनेटर दम मॉर्निंग में ही आ जाते हैं, थोड़ा अंधेरा रहता है उसी समय से आ जाते हैं। देखिए इनमें कितने सारे फूल हैं, इनकी खुशबू तो बहुत ही मनमोहक होती है। देखिए इन्हें मज़े में रस ले रहे हैं। मेरा ये मधुकामनी थोड़े थोड़े समय पर फुल ब्लूमिंग में आ जाता है। आज ये फुल ब्लूमिंग में है, बहुत सारे फ्लावर्स इसमें आए, बहुत सारी कलियां भी बनी हुई हैं। एक मेरा ये रजनीगंधा, इसमें अभी स्टिक आए नहीं है। इधर मेरे कुछ फ्रेंच मेरीगोल्ड जो कि अभी इतनी भयानक गर्मी में खिलते रहते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत सारे पौधों ने तो फूल देना बंद कर दिया है गर्मी की वजह से, लेकिन ये सब अभी खिल रहे हैं। हिबिस्कस के फ्लावर बहुत छोटे छोटे हो गए हैं और बहुत कम खिलते हैं। ये मेरा विंका, ये भी अच्छे से खिल रहा है, पर धूप से इनके फूल के कलर उड़ जाते हैं, ये इनके कलर ख़राब हो जाते हैं। इधर मेरा गॉम्फ्रेना, गॉम्फ्रेना मेरे पास 3 कलर में है, एक ये पर्पल, एक ये वाइट और एक ये रेड। ये रेड अभी पूरा खिला नहीं है, खिल जाएगा तो बहुत सुंदर लगेगा, बहुत सुंदर लग रहा है ये रेड कलर। मैंने इन सब के बीज ऑनलाइन ख़रीदे थे और लगाए थे। इधर मेरे सारे विंका, अभी सुबह का समय है तो कलियां पूरी तरह से खिली नहीं हैं, बंद ही हैं, 1 घंटे के अंदर सारी कलियां खिल जाएंगी। ये सारे विंका, ये मेरे सेलोसिया प्लूमूशा, इनके फ्लावर लंबे लंबे इस तरह से आते हैं जो कि अच्छे लगते हैं, और इनकी पत्तियां काफ़ी ग्रीन होती हैं, इतनी गर्मी में ये बहुत अच्छी लगती हैं। इधर मेरा कुछ हिबिस्कस, इधर मेरा कनेर है, ये कनेर भी बहुत खूबसूरत है, पिंक कलर में डबल पेटल का। इतनी गर्मी में मेरा ये हिबिस्कस तो खिलता नहीं है, इनकी कलियां बनती हैं पर नहीं खिल पाती हैं। पर ये वाइट वाला हिबिस्कस मेरा खूब खिलता है, ये देसी है और गर्मी में इनमें खूब सारे फ्लावर आते हैं और खूब अच्छे से खिलते हैं। अभी ये मॉर्निंग में नहीं खिले हैं, ढेर सारी कलियां बनी हुई हैं, 1 घंटे के अंदर ये सारी खिल जाएंगी। ये मेरा एक बहुत छोटा छोटा हिबिस्कस इसमें आता है और ढेर सारे फ्लावर्स आते हैं एक बार में। ये मेरा कनेर,
देखिए कितना खूबसूरत है। कनेर तो गर्मी का ही प्लांट है, गर्मी में इनमें खूब सारे फ्लावर्स आते हैं। जितने ज़्यादा धूप इनमें लगेंगे फ्लावर्स भी उतने ही ज़्यादा आते रहेंगे। ये मेरा वाइट अपराजिता, और इधर मैंने कोने में इन्हें रख दिया। ये इस पौधे में कांटे होते हैं इसलिए मैंने इन्हें किनारे कोने में रख दिया। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें चुभ ना जाए इसलिए मैंने उन्हें अलग रख दिया है। इधर मेरा ये पुदीना है जिसे मैं हमेशा हार्वेस्ट करती रहती हूँ, किचन में इस्तेमाल करती रहती हूँ। ये खूब ग्रीन है और खूब अच्छे से चल रहा है। ये मेरा एक ब्लू कलर का अपराजिता, यहाँ मेरे सारे जीनिया लगे हुए हैं जो कि खूब अच्छे से खिल रहा है। इतनी गर्मी में इनके भी फूलों के कलर ख़राब हो जाते हैं और मुझे तो कभी कभी लगता है पौधे भी जल जाएंगे जितनी ज़्यादा गर्मी अभी मई महीने में है, लेकिन ये बचे हुए हैं। ये मेरा जीनिया जहारा जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है, छोटा छोटा पौधा और ढेर सारे फ्लावर्स इसमें आते हैं। इसके कलर देखिए कितने खूबसूरत हैं। इनकी क्वालिटी यही है, एकदम छोटे से पौधे रहते हैं लेकिन फ्लावर्स बहुत सारे आते हैं, इनकी ब्यूटी देखते बनती है। और ये मेरा जीनिया एलिगेंट, इनका पौधा थोड़ा लंबा होता है और बहुत ही खूबसूरत कलर के इनमें फ्लावर्स आते हैं। थोड़े कलर धूप से ख़राब हो जाते हैं, फिर भी देखिए अभी कुछ कलर तो बरकरार हैं अभी धूप में रहने के बावजूद। ये धूप में ही खिलता है तो धूप में तो रखना इन्हें ज़रूरी है, कुछ कर नहीं सकते हैं। बीच में कुछ मेरे मेरी गोल्ड भी हैं, देखिए ये कलर कितना खूबसूरत है, बहुत जल्दी इनके कलर उड़ जाते हैं धूप से। एक ये कलर भी बहुत खूबसूरत है, यहाँ एक है, बहुत प्यारे लगते हैं ये। गर्मी में अगर जीनिया नहीं हो तो गार्डन में रौनक नहीं होगी, जीनिया ही है जो गार्डन की रौनक बनाकर रखता है। मैं इधर एक कोने में सिर्फ जीनिया लगाई हूँ। इधर मेरे कुछ जेड प्लांट हैं और इधर अडेनियम है। इधर सामने में मैंने कुछ हैंगिंग पॉट्स रखे हैं, देखिए आज बहुत सारे पॉलिनेटर्स आए हुए हैं फूलों पे। मधुमक्खी है, ये मेरे कुछ पर्सलेन हैं और डाइंथस विंटर वाले ही लगे हुए हैं जो कि अभी तक फूल दे रहे हैं और काफ़ी अच्छे से खिल रहे हैं दोनों साथ साथ में। आज तो इतनी सारी मधुमक्खी है कि मुझे डर लग रहा है वीडियो बनाने में। पर्सलेन तो जितनी ज़्यादा धूप होगी गर्मी होगी उतने ज़्यादा फ्लावर देंगे, देखिए कितने ज़्यादा और कितने सुंदर सुंदर फ्लावर हैं।
वर्सलेन के। ये बड़ी वाली मधुमक्खी है, अगर काटेगी तो बहुत दिक्कत होगा। मैं धीरे धीरे वीडियो बना लेती हूँ। पर्सलेन में फ्लावर ढेर सारे आते हैं, इसलिए ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अब मैंने इन्हें मिक्स करके लगाया हुआ है। एक पॉट में मैंने दो तीन कलर डाले हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत लगते हैं मिक्स होने के बाद। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। नमस्ते।